हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे एंड खुश होंगे। सो गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और फ्रेश न्यू एपिसोड में। और साथ ही साथ हम लोग आज एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पैल वर्ल्ड। सो गाइस, ये पूरी दुनिया ही गेम खेल रही है, तो मैं सोचा कि चलो एक बार हम भी इसको ट्राई कर लेते हैं। और काफ़ी एडिक्टिव गेम है, काफ़ी अच्छा गेम है। और आप लोगों में से कुछ लोगों ने इस गेम को पहले से ही देख रखा है, तो चलिए हम लोग इस गेम को स्टार्ट करते हैं। और हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्ट गेम से। तो इसको मैं कल ही डाउनलोड किया हूँ और थोड़ा बहुत हमने इसको खेला था बस जानकारी के लिए कि कैसा गेम है कैसा नहीं। और वाकई गाइस, ये एक नंबर गेम है। तो चलिए हम लोग क्रिएट न्यू वर्ल्ड स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इसका नाम रख लेते हैं, मैंने सोच रखा है नाम इसका। इसका नाम रखते हैं हम लोग न्यू पॉकी, सॉरी पीकी नहीं भाई, न्यू पॉकी वर्ल्ड। इसका मैंने ये नाम सोचा है, न्यू पॉकी वर्ल्ड। तो हम लोग इसमें मल्टीप्लेयर तो ऑफ रखेंगे, हम लोग डिफिकल्टी नॉर्मल रखते हैं क्योंकि हम लोग बिल्कुल नूब हैं, तो नॉर्मली रखेंगे। सेटिंग में कस्टम सेटिंग, ठीक है, कस्टम सेटिंग वाला छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कुछ भी जो है जैसा है वैसे इसको रहने देते हैं। थोड़ा सा हम लोग इसका रात वाला जो है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो रात यहाँ जल्दी बीतेगी, क्योंकि इसका जो रात वाला सिस्टम है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि रात में कुछ दिखता है नहीं, तो थोड़ा बहुत रात चलेगा। तो चलिए इसको ओके करते हैं हम लोग। फिनिश सेटिंग अप वर्ल्ड एंड स्टार्ट द गेम। चलिए भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इसमें जो क्रिएचर हैं उन क्रिएचर्स को हम लोग कहते हैं पैल, जो कि वो पोकेमोन से ही हैं। अभी तक जानकारी के हिसाब से मुझे ही पता चला है कि वो सारे पॉकीमॉन्स हैं, लेकिन इसमें उनको पैल्स कहा जाता है। सो बहुत क्यूट क्यूट पैल्स हैं, तो हम लोग इनको अभी देखेंगे। काफ़ी मज़ेदार गेम है गाइस, हम लोग मैं इसको कल से देख रहा हूँ, खेल रहा हूँ इसको मैं। तो ये मेरा स्टीम का ही नाम आ गया, तो इसको हटा के डार्क शैडो। तो चलिए ये हमारा नाम हो गया डार्क शैडो। प्रीसेट में हम लोग, मैंने ये रखा था, हाँ शायद मैंने इसी को रखा था, जो मैंने इसमें रखा था मैं उसी को रख देता हूँ। फेस ठीक है, हेयर हमने थोड़ा सा उलझा उलझा सा बाल रखा था ये वाला। और वॉइस 5 नंबर, ठीक है, थोड़ा मेच्योर लगना चाहिए भाई। दढ़ीवा रखा था हमने थोड़ा सा, नहीं यार इतना नहीं, ये हाँ थोड़ा, ये गॉड ऑफ वॉर वाला है क्या भाई, ये ज़्यादा हो गया, ये ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। हेयर हमने चेंज कर लिया, बॉडी में चेंजेस नहीं करना है कुछ, तो हम लोग करते हैं स्टार्ट गेम। ये बता रहा है कि हम लोग इसको वापस से कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो फटाफट से चालू हो जा भाई। ये रहे हमारे शुरुआत के पॉकीमॉन्स पेल्स, इनको हम लोग पेल्स कहेंगे। अभी हम किसी भूले बिसरे आइलैंड में हैं। ये बिल्कुल आर्क सर्वाइवल की ही तरह गेम है, बस इसमें जो डायनासोर की जगह पॉकीमॉन्स हैं, तो हम लोग उन्हें भी पकड़ेंगे, टेम करेंगे, उनसे काम करवाएंगे। लेकिन उस गेम से थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि दोनों गेम्स के अपने अपने ही कुछ हैं। और ये फिलहाल अभी आ गया है अपनी गुफा में। मैंने इसके बाद थोड़ा सा खेला था, 5 लेवल तक शायद मैंने कुछ किया था, बस चेक करने के लिए कैसा कैसा नहीं है। लेकिन भाई लोग, इसका जो ग्राफिक है ना वो एक नंबर ग्राफिक है भाई, इसका मैं क्या ही बताऊँ, मैं तो फैन हो गया भाई इस गेम का। इसको मैं खेल रहा हूँ कल रात से ही, थोड़ा बहुत हमने खेला है, और बस इसका इन्फॉर्मेशन लेने के लिए क्या है इस गेम में क्या नहीं है। लेकिन इस गेम में बहुत कुछ है गाइस करने के लिए, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे इन्वेंट्री है, पार्टी है, टेक्नोलॉजी पॉइंट, यहाँ पे हमें पॉइंट्स कलेक्ट करने होंगे तब जाके हम लोग, अभी हम लोग लेवल 1 है। और पैलडेक्स, जितने भी हमारे सामने पैल्स आएंगे उनका हम लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कौन क्या है किस काम का। गिल्ड ये तो ऑनलाइन के लिए है, ऑप्शंस तो सभी लोग जानते ही हैं। जैसे कि ये है एक चिकी पिकी, अभी ये लेवल 1 का है, इसमें काफ़ी बड़े बड़े लेवल्स के भी आते हैं। जब मैं इसको लोड करा था ना गेम को भाई, तो मुझे लगा कि मेरी भी चलेगा नहीं ये, मेरा सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये गेम खेलना था, पूरी दुनिया इस गेम को खेल रही, तो भाई तब थोड़ा बहुत हम भी खेल सकते हैं। लेकिन लकली गाइस, ये हमारे पोटैटो पीसी में चल गया, जिससे कि मैं इतना खुश हूँ भाई मैं क्या ही बताऊँ, बस गिर मत भाई। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारा कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग ट्यूटोरियल्स कंप्लीट करेंगे। क्या है भाई, पिक अप फॉलन ब्रांचेस, तो जो यहाँ पे ब्रांचेस हैं इसे हमें पिकअप करना होगा।
और ओपन द ऑप्शन मेनू विथ यस सी चेक सर्वाइवल गाइड, इसको हम नहीं करेंगे, टाइम चला जाएगा हमारा, मैंने उसको पहले भी चेक कर चुका है। ये है सर्वाइवल गाइड, तो इसे जरूरत नहीं हमारी करने कुछ भी। ये भी हो गया, ओपन द बिल्ड मेनू विथ बी सेलेक्ट प्रिमिटिव वर्क बेंच एंड सेट द बिल्ड लोकेशन। तो यहाँ पे क्या है ना कि हमें, तो गाइस इसमें क्या है ना कि हमें अपना बेस बनाना होगा, जो कि हमारा सारा का सारा काम वहीं पे होने वाला है। तो यहीं पे हम लोग अपना बेस बनाते हैं, ये हमारा जो चोटी है हम लोग यहीं पे अपना बेस बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बनाना है प्रिमिटिव वर्क बेंच, तो इसको हम लोग इधर बना देते हैं कि इधर बना दे यार, इधर ही बना देते हैं, यहाँ बनाते हैं हम लोग। ये रहा हमारा, इसको इधर बना देते हैं, और इसको हमें खुद से बिल्ड करना होगा, और इसमें रियल टाइम ही चलता है भाई, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, ओ बूम। तो गाइस हमारा ये वर्क बेंच बन गया। ओपन द टेक्नोलॉजी स्क्रीन फ्रॉम द मेनू एंड अनलॉक पैल स्फेयर, तो हम टैब दबाएंगे तो हमारा टेक्नोलॉजी खुल जाएगा, टेक्नोलॉजी मेनू। इसमें हमें जो अनलॉक करना है, ये हमें यहाँ पर पॉइंट मिलेगा, ये हमारे पास टेक्नोलॉजी पॉइंट है 6 अभी हमारे पास, जितना हमारे पास पॉइंट आएगा हम लोग उसको यहाँ पे अनलॉक कर सकते हैं। तो ये है, बोला जा रहा है मुझे अनलॉक करने के लिए पैल्स स्फीयर, जिससे हम लोग पैल्स को यहाँ पे कैप्चर करेंगे। और क्या बोल रहा भाई, कुछ और बोला क्या, क्राफ्ट पैल स्फीयर। तो अरे इसके लिए हमें पैल्डियम लगेंगे, कहाँ, ये पैल्डियम फ्रैगमेंट वुड स्टोन, तो इसके लिए हम ये लगेंगे। और जो चीज़ हमें चाहिए, वुड इधर है, स्टोन इधर है, और वुड स्टोन में से ही हमें वो सब मिल सकते हैं, नाम भूल जा रहा हूँ यार, पैल्डियम फ्रैगमेंट हमें वो सब मिल सकते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल ये अपने मुक्के से पीटेगा, कहाँ गया भाई, पिट ले भाई पिट ले आराम से। स्टोन 4 हो गया, कितना चाहिए भाई, ये तो मैंने देखा ही नहीं अभी तक। अरे तुम नहीं, ये भी एक सर्वाइवल ही गेम है। पैल्डियम फ्रैगमेंट अभी एक चाहिए, वुड 3 चाहिए, स्टोन हमारे पास आ चुका है। तो गाइस ये भी एक सर्वाइवल ही गेम है, हमें यहाँ पे किसी तरह सर्वाइव करना है, और इतने सारे पोकेमॉन्स को हमें कैप्चर करना है, जिससे कि वो हमारी मदद करेंगे, हम उनकी मदद करेंगे। इसमें बॉस फाइट भी होती है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, और रेड भी होती हैं, इनेमीज की रेड होती है, हम लोग इनेमीज के भी बेस पे रेड कर सकते हैं, वो सब हम लोग आगे चल के करेंगे। फिलहाल अभी तो हम लोग को किसी भी तरह 7 लेवल तक पहुँचना है, क्योंकि वहाँ तक आते आते भर में हमारा लगभग लगभग चीज़ यहाँ पे अनलॉक हो सकता है, जिससे कि हमें आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगा। तो भाई फटाफट से वुड कट कर लो, और इसकी एनर्जी भी डाउन होती है, जो कि ऑटोमेटिक रिफिल हो जाती है, हो जा भाई फटाफट से। तो हमारा वुड कलेक्ट हो गया गाइस, तो हम लोग बनाते हैं, अच्छा ये हम तो मिला ही नहीं, पैल्डियम फ्रैगमेंट। वैसे पैल्डियम फ्रैगमेंट जो है वो तो स्टोन में मिल ही जाता है, बाकी इधर भी हमें मिल सकता है। हम लोग मैप को ही पूरा एक्सप्लोर करेंगे, जो हमारा दूसरा वाला वर्ल्ड चल रहा है, जो कि मैं ट्रायल के लिए रखा हूँ, उसमें मैं सिर्फ एक्सप्लोर करता हूँ, वहाँ देखता हूँ, फिर यहाँ पे आके मैं करूँगा। अभी तो फिलहाल मैं इस सीरीज को ही कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलो भाई एक तो हमारा निकला, और भाई अगर आप लोग का सपोर्ट हमें मिलेगा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे के वीडियोस बनाने के लिए। तो गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो हमारे पास गाइस एक पैल्डियम फ्रैगमेंट हो चुके हैं, और 2 भी हो गए हैं, और मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, थक गया बेचारा। तो अभी चलते हम लोग वापस अपने बेस पे, अब वही हमारा बेस बन गया है, अब हम लोग लोकेशन बाद में चेंज करना होगा तो करेंगे। और भाई ये स्पाइडरमैन की तरह चढ़ भी जाता है, बड़ा मस्त चढ़ता है यार, यहाँ चढ़ जा देखिए अरे बड़ा मस्त चढ़ता है यार, क्लाइम करता है इसमें ये। तो फटाफट से मैं एक क्राफ्ट पाइल स्फेयर बना देता हूँ, जिससे कि हमारा ट्यूटोरियल आगे की तरफ बढ़ता रहे। ये रहा स्टार्ट प्रोडक्शन, मेरे पास 2 था ना, अच्छा एक और बना दूंगा मैं, ये हो गया, एक्वायर कर लिया, और एक और बना, एक ही था क्या मेरे पास, खैर चलो ठीक है। अटैक पैल्स टू वीकेन देम देन प्रेस क्यू टू, अच्छा अभी हमें इसको नहीं मारूंगा, अभी मैं उसको मारूंगा लैम बॉल को, लैम ये तो अभी लेवल 1 का है,
और तू भाई, तू कितने लेवल का है? ये लेवल 3 का, इसको मारूँ क्या? वैसे मैं कैप्चर कर सकता हूँ, ट्राई करता एक बार। इतने क्यूट क्यूट है ना भाई ये लोग, के मजा जाता है यार। रुक जा, हो जा 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 भाई, प्लीज 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 हो जा। हो गया भाई, मुझे लगा नहीं हो पाएगा लेकिन हो गया। और ये बेरीज है, इसे भी हम लोग कट करना पड़ेगा क्योंकि इसे भी भूख प्यास सब कुछ लगता है भाई। तो निकल गया यार। हाँ अरे मुझे बताना तो अच्छे से, इत्मीनान से तुम लोग को इंट्रोड्यूस करूँगा ना मैं। ये देखिए गाइस, ये है हमारा लैम बॉल जो कि लेवल 3 का है, और ये वर्क भी कर। भाई मार मत, अरे क्यों मार रहा है इसको? तू वापस आ जा भाई, तू वापस आ जा यार। अरे इसको मारना नहीं, अच्छा ये मेरे पर अटैक कर रहा है क्या ये? तभी तो मार रहा है यार ये। एक मिनट गाइस, तो इसको मैं निपटा देता हूँ। इधर आ रे घोड़ू, इतने क्यूट क्यूट से तुम लोग मारते पीटते क्यों हो यार? मेरे पास एक और तो मैं इसको भी कर लेता यार, अभी है नहीं अपने पास। अरे हो ना, मर गया। वैसे मारना नहीं चाह रहा था, इतने क्यूट क्यूट के मुझे मारने का मन नहीं करता इन लोग को, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। ये हमारा हो गया ओपन द टेक्नोलॉजी। तो क्या बोला अनलॉक करने के लिए? अनलॉक पैल बॉक्स। तो ये हमारा, ये है पैल बॉक्स। तो ये हमारा हो गया अनलॉक। वैसे भी मुझे ये सब चीज़ की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको अनलॉक कर लेता हूँ। ओरेंज चेस्ट को भी अनलॉक कर लेता हूँ। रिपेयर बेंच अभी जरूरत पड़ेगी क्या मुझे इसकी? ये बेड मुझे चाहिए, उन लोग के सोने के लिए बेड लगेगी इसमें। और क्लॉथ, 5 बचे हैं मेरे पॉइंट, क्या करूँ? चलो रिपेयर बेंच भी कर ही लेता हूँ। और वुडन स्ट्रक्चर सेट ये भी कर लेता हूँ, 2 पॉइंट बचे हैं। चलो अच्छा तुम लोग आ जाओ, बाकी हमारा लेवल अप तो होगा ही। बिल्ड पैल बॉक्स, तो हम लोग को ये पैल बॉक्स बनाना है। ये पैल बॉक्स, चलो भाई। अभी हमारे पास कुछ मटेरियल्स नहीं है, वुड स्टोन नहीं है हमारे पास। मेरे पास पैडियम फ्रैगमेंट तो थे, तो मैंने इसको क्यों नहीं बना पाया एक और यार। खैर कोई नहीं, तो गाइस अभी जो हमें बनाना है, पहले अपना खुद की सुरक्षा करने के लिए, जिससे कि हम लोग यहाँ पे सेफ रह सकें, क्योंकि अभी हमारा यही बेस है। तो इसके लिए हमें वेपन्स बनाने होंगे। वेपन पैडेक, ये तुम नहीं है, अच्छा इधर से बनेगा। तो अभी हम लोग इसको बनाएंगे, वुडन क्लब, हैंड हेल्ड टॉर्च ये भी बनाएंगे, और इन दोनों को भी हम लोग बनाएंगे अभी। तो सबसे पहले मैं इसको बना लेता हूँ, अभी देख के बना रहा हूँ इसको। अब ये हमारी मदद कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ बुलाऊँगा, तो जब मैं इसको यहाँ पे क्राफ्ट करूँगा तो देखिए ये आ रहा है हमारी मदद करने के लिए। और जब ये लोग हमारी मदद करते हैं ना गाइस, तो बहुत ही फटाफट हमारा काम हो जाता है। चलो वापस आ जाओ तुम, अब इसे हमें एक्वायर भी करना होगा। हो गया, तो ये रहा गाइस हमारा हथियार। अब हम लोग किसी को भी बिछा सकते हैं, लेकिन क्या मैं बिछाऊं? अरे तो जाओ यार, अब तुमको मैं क्या ही मारूंगा बार बार। तो हमें जो ये बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, हमें पैल्डियम फ्रैगमेंट तो है, वुड और स्टोन। तो हम लोग को वुड चाहिए, तो हम लोग वुड कलेक्ट करते हैं, इससे बढ़िया डैमेज मिलेगा। और जो हम लोग वुड काटने वाला बनाएंगे उससे तो और तगड़ा तगड़ा मिलेगा हमें डैमेज। तब तक हम लोग इसको कलेक्ट करते हैं, इससे हम लोग को वुड और फाइबर दोनों मिल जाता है, ये अच्छी बात है। इसके एनर्जी डाउन, स्टोन भी चाहिए यार हमें। ये कुछ इसमें कुछ मदद करेगा हमारी? क्या करेगा भाई, तू अपना सर फोड़ लेगा यार, उसके लिए कुछ काम है कि नहीं यार? मुझे वो वाला चाहिए, एक कैटिवा नाम का है, उसे मुझे पकड़ना होगा। और हम लोग इसमें जितने ही ज़्यादा उसको पकड़ेंगे, पैल्स को पकड़ेंगे ना, तो उतना ही ज़्यादा हमारा एक्टिव जो है वो इंक्रीज होगा। तो हमें उसे भी समय समय पर पकड़ते रहना पड़ेगा। समय समय पर क्या, हमें उसे रेगुलर पकड़ना पड़ेगा। जितना ज़्यादा पैल्स हमारे पास होंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बढ़िया बात है। तो सबसे पहले मैं अपना ये क्राफ्ट करूँ यार, बहुत धीरे धीरे हो रहा है। यू हैव अनयूज स्टेट पॉइंट। तो अभी हम लोग को जो पॉइंट मिला, हम लोग उसको कलेक्ट करेंगे, हम लोग उसको यूज भी करेंगे। अभी क्या हुआ भाई, स्टोन वुड, बहुत बेकार आदमी हो यार तुम लोग तो।
अभी हमें सारा कुछ वेपन्स पहले बनाना होगा, उसके बाद ही हम लोग सारा कुछ काम कर पाएंगे, क्योंकि इसको ऐसे करते रहेंगे तो हमारा पूरा बीत जाएगा। हो गया, कितना चाहिए था फिलहाल मुझे? हो गया। हमें सिर्फ 3 ही चाहिए था यार, तो कब्बे मेरा हो गया था। थोड़ा डिस्टेंस पे बनाना होगा हमें। अबे कितना डिस्टेंस चाहिए इसको? थोड़ा सा इधर बना देते हैं हम लोग। चलो ठीक है, इसको भी हम लोग बिल्ड करेंगे। अरे वो आ गया हमारी मदद करने के लिए, क्यूट क्यूट सा। कहाँ जा रहा भाई, इतना ऊपर जाएगा क्या? तो गाइस, तो हमने पैल बॉक्स भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग इसको यहाँ से सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं अपने पैल्स को। यहाँ पर कौन हमारे बेस पे रहेगा, कौन हमारे इन्वेंट्री में रहेगा, यहाँ सब कुछ हम लोग कर सकते हैं। तो बेस अपग्रेड, ये हमारा बेस बता रहा है कि हमारा बेस कितने लेवल पे है। बेस लेवल 1 पे अभी हम लोग हैं। बिल्ड वुडन चेस्ट और डिप्लॉय ए वर्क पैल टू द बेस। तो चलिए बनाते हैं वुडन चेस्ट को। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक बढ़िया सा घर भी बनाऊँगा जिसमें हम लोग इन सब को भी रख सकेंगे और अपना भी रखेंगे और अपने आप को भी उसमें रखेंगे। तो फिलहाल सबसे पहले वुडन चेस्ट बनाते हैं हम लोग। स्टोरेज में ये रहा, नहीं है। एक काम करता हूँ गाइस, पहले मैं ना इसको पहले मैं बनाता हूँ, सब कुछ जो हमारे वेपन्स हैं इसको बनाता हूँ और इसको बनाता हूँ, क्योंकि ये सब बनेंगे ना हमारे लिए तो सारा का सारा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो 5 5 स्टोन है, अरे वुड है, स्टोन चाहिए हमें। तो आ जाओ स्टोन। सो गाइस, तो हम लोगों ने क्रेड कर लिया है वुड को, सॉरी स्टोन को। तो हम लोग इसको पहले बनाते हैं क्या भाई, स्टोन पिकैक्स। इसको पहले बनाया जाए फटाफट से, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है हम लोग को इसको करने में। किसी मटेरियल को क्रेड करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। तो गाइस, तो ये हमारे पास आ चुका है पिकैक्स। तो अब हम लोग बनाते हैं अपना कंपर गया बे हैं स्टोन एक्स। तो क्यों नहीं हो रहा ये? हाँ? ये सो नहीं कर रहा था यार, पता नहीं क्यों। चलिए ठीक है, अच्छा बन रहा है मेरा, बन जा भाई। हो गया, एक्वायर कर लेता हूँ इसको मैं। तो गाइस ये रहा हमारा पिकैक्स। इसका क्या नाम था भाई, मैं तो नाम ही भूल जा रहा हूँ इसका। वुडन क्लब, हैंड हेल्ड टॉर्च, स्टोन पिकैक्स और स्टोन एक्स। हम लोग इसको भी बना देते हैं फटाफट से। कितना चाहिए भाई? दो दो बस चाहिए। तो हम लोग वुड कलेक्ट करते हैं किधर के। हाँ ये रहा, इससे आप देखिए कितना फटाफट से हमारा वुड कलेक्ट हो जाएगा। बहुत सही भाई, बहुत सही। चलिए इतना काफ़ी है। अभी पहले जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको हम लोग पहले बनाते हैं। सॉरी 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 सॉरी, कैंसल कैंसल हो गया। अभी हम लोग को बनाना है हैंड हेल्ड टॉर्च। अब बन जा भाई, आ जा भाई, मदद कर दे हमारी। अभी तो हम लोग इसको और भी कैप्चर करेंगे, तो ये और भी हमारे साथ फटाफट से काम करेंगे। ये हो गया, बहुत सही भाई। इस क्या ना, जब हमें रात में जब ठंड लगती है ना, तो ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अब हमें बनाना है, अब जो हमारा पूरा फोकस होगा अब हमारे बेस पे होगा, कि जिससे कि हमारा, अबे हटना, जिससे कि हमारा बेस अपग्रेड हो। किसी भी तरीके से हम लोगों को यहाँ पे 7 पॉइंट तक आना है, 7 लेवल तक आना है, क्योंकि इसमें हमारी सभी सभी जरूरत की चीज़ें यहाँ पे अनलॉक हो जाएंगी। उसके बाद भी करेंगे, लेकिन जो हमारा मेन फोकस है वो लेवल 7 तक का है। तो चलिए फटाफट से करते हैं हम लोग। अभी क्या बोला है करने के लिए भाई, क्या बोले हो करने के लिए? वुडन चेस्ट और एक लोग को यहाँ पे डिप्लॉय करना जो हमारे साथ वर्क करेगा। तो आई थिंक मुझे इधर बनाना चाहिए। चेस्ट में किधर बनाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। सारा काम हमारा इधर ही चो रहा है, तो हम लोग इधर ही बना देते हैं। किधर बना दें? चलो अच्छा इधर बना देते हम लोग चेस्ट को। है ही नहीं। एक काम करता हूँ गाइस, पहले मैं फटाफट से सब कुछ जितना भी हमारा वुड एंड स्टोन लगने वाला है हम लोग उसको पहले कलेक्ट कर लेते हैं। सो गाइस, हम लोगों ने अच्छा खासे अमाउंट में हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया है वुड एंड स्टोन को। तो हम लोग देखिए, हमारे पास 44 है और 37 है,
तो आराम से हम लोग इसको बिल्ड कर सकते हैं। इधर हो जाओ तुम एक, अभी एक ही करते हैं क्योंकि जो हमारा वेट है ना वो भर जाता है भाई, बहुत तगड़ा भर जाता है, फिर चल ही नहीं पाता। तो जिसकी वजह से हमें चेस्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारा ये सामान ला करके रखे कितना तो खुश हो रहा है भाई, क्यूटू सा हो गया क्या हमारा बेस अपग्रेड भाई। ओहो तुम नहीं डिप्लॉय तो है तो ये अच्छा। ओहो इसको ऐसे नहीं करना था, देखिए हमारा सामान लेकर रख रहा है इसमें। अरे बहुत अच्छी बात है भाई, इधर आ इधर आ जा, अब मैं तुमको अच्छी तरह से डिप्लॉय करूँगा। यहाँ से मुझे डिप्लॉय करना पड़ेगा। अरे हटना भाई, ये रहा इसको मैं यहाँ पे बेस में रख सकता हूँ। आ गया ये, अब हमारे बेस पे रहेगा। हो गया, अब हम लोग करते हैं बेस को अपग्रेड। ओ भाई साहब हो गया, ये हम लोग लेवल 2 पे आ चुके हैं, बेस लेवल 2 पे। अब हमें करना है बिल्ड प्रिमिटिव वर्क बेंच, बिल्ड सूडी बेड। वर्क बेंच तो हम लोगों ने बना दिया था, बिल्ड सूडी बेड। अब हमें एक बेड बनाना होगा, और वो बेड बनाने के लिए पहले हमें अपने आप को कवर करना होगा। जैसे चार दीवारी के बीच में होता है ये ब्लू लाइन, अच्छा ये ब्लू लाइन जो है जहाँ तक मुझे, पहली बात तो मुझे भूख लग गई तो मैं खा लेता हूँ कुछ, ये है तो इसको हम लोग खा लेते हैं। जब हमारे पैल्स को लगेगा भूख तो हम लोग उसको भी खिला सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जो ये ब्लू लाइन है, जहाँ तक मुझे पता चल रहा है कि भाई ये हमारे बेस का रेंज है, जब हमने इसको, इसके पहले नहीं था, जब हमने इसको बनाया है तो उसके बाद ही आ रहा है, क्योंकि अब इसके बाहर शायद हम लोग कुछ काम नहीं कर सकते हैं, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या ये सच थी गलत है, ये ब्लू लाइन क्या है आखिर। और हमें एक घर बनाना था, देखिए जैसे अभी रात होने वाली है तो बहुत ही जल्दी यहाँ पे रात हो जाती है यार, रात में बस इसमें कुछ दिखाई नहीं देता है। तो आप कोई बात नहीं, फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया है। ये देखिए गाइस, ये एक कितने लेवल का, 15 लेवल का, इसका नाम है डाइनोसोम, डाइनोसोम नाम इसका। इसके भाई ये बहुत ख़तरनाक है, अभी तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ मैं। एक बार ट्राई किया इसको मारने का भाई, एक बार ही मुझे बिछा दिया मैं उठ ही नहीं पाया फिर यार। ये रहा ब्लू लाइन, यहाँ तक है, तो इसको भी मुझे देखना पड़ेगा क्या है ये ब्लू लाइन, मुझे समझ में नहीं आ रहा, वरना फिर मुझे चेंज करना पड़ जाएगा सब कुछ यार, मुझे कहीं और बनाना पड़ जाएगा। तो कोई नहीं, देखा जाएगा अभी। तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे थे, बेड बनाना है हमें। तो कितना है फिलहाल, बेड मैंने अनलॉक किया था कि नहीं किया था, ये रहा बेड। मुझे एक इनके लिए भी बेड चाहिए, पैल्स के लिए, और मुझे तो चाहिए चाहिए। तो उसके पहले मुझे अपना एक घर बना तैयार करना पड़ेगा। पहले मैं छोटू सा बना लेता हूँ, इधर ही बना लेते हैं यार, इधर हमारा घर है, इधर हम लोग घर रखते हैं। एक काम करता हूँ मैं, पहले इसको यहाँ पे छोटू सा बना लेता हूँ अपना घर, चार दीवारों के बीच में, जिससे कि हम लोग सोने होने का वो बन जाए। ये भी टेम्प्रोरी बेस में बना रहा हूँ, बस मेरा ट्यूटोरियल कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम लोग अच्छे तरीके से बनाएंगे। एक बाउंड्री उधर आ जाओ। अरे यार बार बार मुझे करना पड़ेगा क्या, इधर आ जाओ। एक कितना लग रहा है यार, ये तो मुझे पता ही नहीं चल पा रहा, बस मैं बनाया जा रहा हूँ। बहुत सही, एक रूफ बना देंगे हम लोग। किधर आ गया, क्या क्या है भाई, ओरेंज स्लेटेड रूफ, ऐसे बनेगा क्या? अरे दो तरफा वाला हो जाएगा ये तो। खैर एक रूम बनाते हैं हम लोग यहाँ से, ये बन गया, एक सीढ़ी बन जाएगी क्या, ये रही। बहुत सही, तो यहाँ पे अब हम लोग बना सकते हैं अपना छोटा सा बेड। तो हमें वुड की कमी हो गई, खैर कोई नहीं, ये देखिए जैसे मैंने इसको बंद किया वैसे इसको लगने लगी ठंड। तो मैं वुड कहाँ से कलेक्ट करूँ, एक लकड़ी मुझे मिल जाए क्या कहीं से, ये हमारा सो रहा भाई ऐसे ही यार। देखता हूँ मैं थोड़ा बहुत यहाँ बहुत घूम फिर के, ऐसे मिल गया मुझे ब्रांच, तो हम लोग इसको बना सकते हैं। दो दो वुड मिल गया भाई, तो फटाफट से मैं एक बेड बनाता हूँ जिससे कि हमारी रात फटाफट से कट जाए। किधर ये गया, चल भाई सोने का बंदोबस्त करते हैं अपना, 20 सेकंड लगेगा यार।
सो और गाइस, तो हम लोगों ने अपना यहाँ पे बेड बना दिया है और हमारा बेस भी मेरे ख्याल से लेवल 3 पहुँचने के तैयार हो गया है। हो जा भाई, बे यार ये हमेशा क्यों खुल जाता है। ये रहा गाइस, तो हम लोग अपने बेस को करते लेवल 3 पे, हो गया। और अभी हमारे पास अनयूज स्टेट्स भी है, तो देखते हैं कहाँ पे इसको हम लोग यूज करते हैं। इसको जहाँ तक मैंने जाना है HP, स्टेमिना, नहीं HP, अटैक और स्टेमिना, यही 3 चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा हमें अभी शुरुआती दौर पे, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों को अभी पैल्स को कैप्चर करना है। तो अभी हम लोग अटैक नहीं, अभी मैं स्टेमिना करता हूँ फिलहाल। कितना, अभी 1 पॉइंट और है तो HP कर दूँ। HP की तो फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है, स्टेमिना ही कर देता हूँ वही मैं, क्योंकि मैं अभी सिर्फ और यही मैं कर रहा हूँ। सुबह हो गई, थोड़ा सा और वेट करते हैं हम लोग। भाई हम लोग इसी में ही पूरा काम करेंगे ना, हम लोग पूरा दिन बीत जाएगा, इसमें इतने सारे काम हैं सिर्फ अपने बेस का ही। अच्छा मैं सोने जा रहा था ना, तो मैं सो जाता हूँ। सो जा भाई, सो जा सो जा। फिलहाल सुबह तो हो गई है, खैर अभी चलिए हमारे इसको जो भी काम कर रहा है करने देते हैं। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे घूम फिर के आते हैं, कैसा है कैसा नहीं है, थोड़ा सा और मॉर्निंग हो जाए। सो गाइस, फुल मॉर्निंग हो चुकी है, पूरी तरह से सुबह हो चुकी है, और ये सामान लेके जा रहा है भाई उसमें भरने यार, बहुत क्यूट क्यूट हैं सब लोग भाई। तो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि इसमें एक्सप्लोरेशन का एक काम बहुत ज़्यादा है। और यहाँ तक ब्लू लाइन आ रही है, इसको मेरे को सही करना पड़ेगा यार, मुझे थोड़ा पीछे करना पड़ेगा इसको। तो ये है डायनासोर, ये चिकीपी, ये है पैल्डियम फ्रैगमेंट जहाँ से हमें मिलेगा, इसे हमें तोड़ते फोड़ते रहना पड़ेगा। तो इसको मैं तोड़ते फोड़ते चलता हूँ। निकल जा भाई, अच्छा खासा। ओ हमारे पास एक और पॉइंट आ गया क्या, टूट गया। तो हम लोग इसको एक और इन्हेंस कर देते हैं। अच्छा इसको तो मैंने किया ही नहीं था यार, यहाँ तो मुझे ओके करना पड़ता है तब जाके होगा ये। और ये, अरे वो क्या है वहाँ पे, कोई चेस्ट पड़ा हुआ है, इसको ज़रा मैं चेक करके आया। बहुत सही, ये क्या है भाई, पिकअप कैस्टावेज जनरल डेज, इससे क्या होगा, व्यू पॉइंट, अनदर एडवेंचर, एक जर्नी फ्रॉम ऑप्शन स्क्रीन। चलिए दोबारा देखेंगे इसको हम लोग, जब मैं ऑफलाइन खेलूँगा तो देख लूँगा। और इधर क्या है, लेवल 4। तो अभी हमारा करंट टेक्नोलॉजी पॉइंट 6 हो गया, बहुत अच्छी बात है भाई। पानी देख रहे गाइस कितना क्लियर है यार, एक नंबर पानी लग रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है ये, रात के समय में शायद चमकता भी है ये। ये देखिए इसको मैं बड़ा सा कैटिबा को, ओ भाई देखते भाग जाता है बस ये। इसको देखता हूँ मैं थोड़ा सा हीट करके, इसको मैं, मेरे पास है, ओहो मेरे पास तो है ही नहीं यार, खैर चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हम लोग इसको। और इधर ये है वो ओर है इसमें, इसे भी हम लोग कट थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बाद में करूँगा। ये अंदर कैसे जाएगा भाई, बस ये मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। हमने कितना कुछ बना दिया है कि एक ठो मैं अंदर रख लेता हूँ, लकड़ी वाला तुम इधर आ जाओ। चलो ठीक है, अब हमारे हाथ एक ठो खाली तो रहे कम से कम। और जब फॉल डैमेज है, लेकिन बहुत ही ऊपर से हम लोग गिरेंगे तब हमारा फॉल डैमेज होगा, हल्का फुल्के से नहीं होगा कुछ भी, लेकिन फॉल डैमेज है इसमें। मुझे लगा कि पहले नहीं होगा, वो देखिए कैटिगरी इधर बहुत आराम से घूम रहा है, मेरे पास वो है नहीं पैलेस फेयर, नहीं तो मैं अभी तुरंत इसको कैप्चर कर लेता। कहाँ जा रहा है बे, हैं ये हमें देख के भागेगा भागने की जगह ही नहीं है, कहाँ भाग रहा है भाई, चल नहीं मारूंगा अभी। और गाइस इसमें काफ़ी बड़े बड़े भी लोग हैं यार, जो कि मेरे ख्याल से बॉस लेवल के हैं, और इसमें जो बॉस फाइट होती है भाई कम अलग ही लेवल की होती है बॉस फाइट। इसको थोड़ा बहुत खाते पीते चलूँ मैं, लेते चलूँ, मतलब भूख लगेगी तो खुद को मैं खाता पीता चलूँगा। और अभी तो खैर यही सब लोग दिख रहे हैं, और भी दूसरी जगह पर अगर मैं जाऊँगा ना, ये है यहाँ का मैप, जितना भी हम लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे उतना ये दिखाई देगा। अरे मैंने इतना एक्सप्लोर तो किया भी नहीं है, मतलब मैं दूसरे मैप में जो खेल रहा हूँ, दूसरे वाले सेव में, वो भी सब काम करेगा क्या, इसे मिक्स हो जाएगा क्या। खैर कोई नहीं, यहाँ पे एक बॉस टावर भी होते हैं, शायद वही है बॉस टावर जो कि हमें सब लोग कंट्रोल करते हैं। अगर हम लोग डेथ हो जाती है हम लोग की, तो हमें रिस्पॉन करने के लिए ऐसा कुछ मैसेज आता है जो कि हम लोग रिस्पॉन कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ चमक रहा है भाई, जरा उसको लेके देखे तो क्या है वो। क्या है भाई ये, लिफ मंक इफीजी, ये क्या है भाई।
इसके बारे में मुझे पढ़ना पड़ेगा। और हाँ, यहाँ पे एक सर्वाइवल गाइड भी है जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है इस गेम से रिलेटेड। मैंने लगभग लगभग चीज़ पढ़ लिया है, और मैंने जितना अभी तक जाना है ना, तो मुझे लगा मैं बहुत कुछ जान गया हूँ, लेकिन नहीं भाई, अभी भी मैं पहले से नूबी हूँ। अभी तक मेरे ख्याल से मैं 5% भी नहीं समझ पाया हूँ ठीक से गेम के बारे में। थोड़ा बहुत देखेंगे हम लोग, बढ़िया समझेंगे, क्योंकि अभी पूरा शुरुआत ले गया मैं ये। और यहाँ पे एक हमारा फास्ट ट्रैवल था अपने बेस के पास, तो एक काम करता हूँ, मैं अपने बेस पे पहले चलता हूँ। तो गाइस, तो हम लोग अपने बेस पे तो आ गए हैं, लेकिन देखिए वहाँ पर वो जो लाइट वाला चमक रहा है ना, वो है फास्ट ट्रैवल का पॉइंट, जहाँ पे हम लोग फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं। चढ़ जा भाई, क्यों इतना लेट करते हो तुम लोग चढ़ने में। तो ये है हमारा फास्ट ट्रैवल वाला, इसको मैं अनलॉक कर देता हूँ। हो जा भाई, अब हम लोग कहीं भी रहें, अगर हमें ऐसा ही चेक पॉइंट दिखता है, तो हम लोग वहाँ से यहाँ तक आराम से आ सकते हैं अपने बेस पे। हेलो दीदी, गन दे रही हो क्या? गन दे दो यार, एक्सपीडिशन सर्वाइवर कैस्ट अवे बेने वुड। ओ दीदी ने मुझे वुड दिया, और ये हमें सर्वाइव गाइड कर रही थोड़ा सा, कि बहुत ही खतरनाक एरिया है यहाँ पे, जल्दी कोई बच नहीं पाता है, लेकिन चलिए ठीक है, अब हम लोग बच के दिखाएंगे, यहाँ पर सर्वाइव करेंगे। सो गाइस, तो आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और गेम कैसा है। गेम तो खैर एक नंबर है, रापचिक गेम है। तो गाइस बताइएगा कि गेम प्ले कैसा लगा। और सो गाइस, तो आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम लोग ऐसे ही मज़ेदार मज़ेदार वीडियोस इस टाइम लेकर के आते रहते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।